हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये मेकअप लुक मैंने खास समर के लिए किया है। दिस इज अ गेट रेडी विथ मी मेकअप लुक, जिसमें मैंने आपको बताया है कि समर में आपको किस तरह से मेकअप करना चाहिए और किस तरह ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फेस की क्लेंजिंग मैंने यहाँ पे कर ली है और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइस क्यूब अप्लाई कर रही हूँ। तो ये नॉर्मल आइस क्यूब नहीं है, ये मैंने ग्रीन टी को उबाल कर उसे हाफ रिड्यूस होने तक रखा है और उसके आइस क्यूब्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे एक्ने की प्रॉब्लम है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ, ये भी ग्रीन टी टोनर है जो कि एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे मैं रिवाइटलिफ्ट क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो ये एक समर मेकअप लुक है, तो इसलिए आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यहाँ पे यूज़ करना है। और जब आप आइस फेस पे रब करते हो तो उससे भी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और उसके बाद आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कीजिए, समर्स के लिए वो परफेक्ट है। SPF लगाना हमें बिल्कुल भूलना नहीं है। तो यहाँ पे मैं लोटस का SPF यूज़ कर रही हूँ। तो ये डे टाइम का मेकअप है, इसलिए मैं यहाँ पे SPF अप्लाई कर रही हूँ अच्छे अमाउंट में। आप देख सकते हो कितनी अमाउंट मैंने ली थी, तो उतना अमाउंट में हमें SPF अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है। समर्स में अगर आप लिक्विड कंसीलर यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा इंटैक्ट रहेगा और मतलब स्वेट प्रूफ भी हो जाएगा आपका मेकअप। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लाइट ही रखें मेकअप को। तो इस तरह से मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे फिटमी का लूज़ पाउडर यूज़ किया है मैंने, मेरा शेड नंबर है लाइट मीडियम। इससे मैं इसे सेट कर रही हूँ, इस कंसीलर को, लिक्विड कंसीलर को, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाउंडेशन एप्लीकेशन। यहाँ पे एक कॉन्कॉक्शन रेडी किया है मैंने, वो है स्विस ब्यूटी का ड्यू ड्रॉप्स और ये स्विस ब्यूटी का ही बेस है। और यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर मैं इसमें मिला रही हूँ ताकि हमें एक ड्यूई मेकअप बेस मिले। कोई भी हाइलाइटर आप मिला सकते हो। और थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे मैंने मिक्स किया है, स्प्रे कर दिया है स्विस ब्यूटी का। अच्छे से मिलाकर मैंने यहाँ पे एक बेस तैयार किया है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक हुआ था मेरा, एकदम ड्यूई बेस हो गया था। तो ऐसे नहीं है कि आप समर में लाइट फाउंडेशन यूज़ करके ड्यूई बेस नहीं पा सकते। देखिए आप, ये तो एक बीबी क्रीम है, फिर भी आप कवरेज देखिए कितनी अच्छी कवरेज मिल रही है। अभी मैं इसे फिट मी के पाउडर से कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ अपने बेस को। ये भी मैं स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये एक हाईलाइटिंग शेड है, मेरा शेड नंबर है सैंड सेबल। इसे मैं अपने हाइलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ। और ये है पैक का कंसीलर ब्रश 219, इसे मैं अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर दूंगी। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ब्रश है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये कंसीलर को सेट कर रहा है। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है बॉडिस ब्रांड से, ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। अभी इसे मैं सेट कर रही हूँ लूज़ पाउडर से, ये वही फिटमी की लूज़ पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ की है एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। जहाँ कहीं भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पे मैं इसे सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है आईब्रोज, तो आईब्रोज को मैं फिल कर रही हूँ सिवाना की ब्रोकिट से। मेरे बहुत से ट्यूटोरियल्स में मैंने आईब्रो को फिल करना दिखाया है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। इस तरह से हम आईब्रोज को फिल कर देंगे, मुझे लाइट ही रखनी और नेचुरल लुक ही पसंद है आईब्रोज का, मैं ज़्यादा डार्क आईब्रोज पसंद नहीं करती हूँ। अभी इसे हम हाईलाइट करेंगे स्विस ब्यूटी के ही हाईलाइटिंग कंसीलर से, इस तरह से। ऐसा करने से आईब्रोज एकदम परफेक्ट दिखती है, उनका शेप अच्छे से डिफाइन लगता है।
तो ये स्टेप आप स्किप मत कीजिए, बहुत अच्छा लुक आएगा। देखिए इस तरह से आईब्रोज आपके फेस का मेन हिस्सा है, तो उसकी वजह से आपका लुक और ज़्यादा एनहांस होगा। अभी यहाँ पे मैं बेस तैयार कर रही हूँ आई शेडो का सेम कंसीलर से, और एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे सेट कर रही हूँ कंसीलर को। ब्रश से मैं बेस को अच्छे से इंटैक्ट कर रही हूँ। ये सेम पैक का ही ब्रश मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया है, तो ये एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश मैं ले रही हूँ और इसमें से लाइटर शेड लेकर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज के ऊपर एक ट्रांजिशन शेड की तरह, बैक एंड फोर्थ मोशन में आप देख सकते हो। सेकेंड आई पे भी सेम प्रोसीजर करना है हमें। अभी यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन शेड पिक किया है एक पेंसिल ब्रश से, और इसे मैं एक एंगल बना रही हूँ अपने आउटर वी पे आईज के, और थोड़ा सा उसे अंदर की तरफ पुश करेंगे हम। एक लाइन क्रिएट करनी है हमें इस तरह से, इसके बाहर हमें आई शेडो नहीं अप्लाई करना, ये हमारी गाइडलाइन है। गाइडलाइन के तौर पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अप्लाई करके हम थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। अभी एक थोड़ा सा मेरे ड्रेस पे जो फ्लावर्स है उसी शेड को मैंने पिक किया है, पिंक शेड, थोड़ा सा डार्कर शेड, और मैंने उसे मर्ज कर दिया है इस शेड के साथ। और अभी एक लाइटर शेड, बहुत ही ईजी आई लुक है फ्रेंड्स, ये आप आराम से कर सकते हो। अभी एक लाइटर शेड में अपने इनर कॉर्नर पे आईज के अप्लाई कर रही हूँ, तो इस तरह से हमारा आई लुक कंप्लीट हो जाता है। और देखिए कितना प्यारा आई लुक हमारा यहाँ पे निखर के आया है, आप ये लुक आराम से ट्राई कर सकते हो। अभी एक क्लीन ब्रश से मैं अच्छे से सारी लाइंस को डिफ्यूज़ कर दिया है मैंने, और अभी ये डार्क शेड लेकर मैं यहाँ पे अपने आई वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। हमें पूरा नहीं अप्लाई करना है, जस्ट हाफ आईज पे ही अप्लाई करना है ये ब्राउन शेड। अभी उसके आगे हम ये पिंक शेड अप्लाई करेंगे इस तरह से, पीछे पिंक कलर है ये, और आगे जो स्पेस हमने छोड़ी है वहाँ पे थोड़ा सा हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे बाद में। और इस तरह से एक विंग लाइनर मैंने क्रिएट किया है, ये मेबिलिन का आईलाइनर है, और नीचे वाटर लाइन पे भी मैंने हाफ वे ही आईलाइनर अप्लाई किया है, पूरे आईज में आईलाइनर नहीं अप्लाई किया। अभी वेट एंड वाइल्ड के कॉन्टोर पैलेट से मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने फेस की। ये एक एंगुलर ब्रश यूज़ किया है मैंने इस तरह से, हम कॉन्टोरिंग करेंगे। अभी हम नोज को कॉन्टोर कर रहे हैं एक फ्लैट ब्रश से, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग किया है ताकि नोज़ ज़्यादा डिफाइंड लगे और आईज़ को भी एक अच्छी शेप मिले। तो ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट, इसमें से एक पीची पिंक कलर ही मैंने लिया है, और मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक बोन्स पे। थोड़ा ऊपर की तरफ हमें अप्लाई करना है तो लिफ्टेड लुक मिलेगा हमें, और थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हो बेस कितना प्यारा लग रहा है, कितना ड्यूई लग रहा है, जबकि ये एक बीबी क्रीम से बना हुआ बेस है। और अभी मैं इसे सेट कर दिया है मैंने सेटिंग स्प्रे से स्विस ब्यूटी के। अभी इसी में से स्विस ब्यूटी के ही पैलेट में से एक हाइलाइटर हाइलाइटिंग शेड है ये, बहुत ही प्यारा शेड है, आप देख सकते हो इसकी शाइन, उसे मैं आपके अपने आईब्रोज के नीचे डिफाइन कर रही हूँ। और ये जो स्पेस हमने छोड़ी थी आँखों के यहाँ पे इनर कॉर्नर पे, उसे भी वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ उस शेड को। सेम शेड से मैं अपने नोज़ को भी हाईलाइट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा पैलेट है फ्रेंड्स, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बजट फ्रेंडली भी है, और देखिए आप रिजल्ट्स तो आप देख रहे हो इनका। इसका ब्लश भी बहुत अच्छा पिगमेंटेड है,
और हाइलाइटर तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी चौकी नहीं है, एक अच्छी शीन प्रोवाइड कर रहा है, स्किन कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने मास्क का लिप लाइनर यहाँ पे लिया है, तो ये आप लिप लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और आई लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये रिट्रैक्टेबल है, इसे आपको शार्पन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक डार्क शेड से मैं इसे अच्छे से फिल कर रही हूँ। और ये डार्लिंग इजाबेला की लिपस्टिक है और इसे हम एक ओम्ब्रे इफेक्ट देंगे अपने लिप्स को। यहाँ पे लैशेस को मैंने कर्ल कर लिया है और यहाँ पे मस्कारा भी अप्लाई कर दिया है, हाइपरकर्ल मस्कारा। तो ये था मेरा फाइनल लुक, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।